पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं पूजा शर्मा आज आपके सामने ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दी बढ़ते ही घर में नाश्ते में गर्म चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में ही कैसे झटपट ब्रेड रोल तैयार कर सकते हैं। ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है ये उबले हुए आलू, हरी मिर्च, प्याज, कटा हुआ धनिया और ये है जीरा पाउडर। अब हम उबले हुए आलुओं को मैश करेंगे। ये हमें बिल्कुल बारीक करना है। आलू हमने ये मैश किए, इसमें हम प्याज डालेंगे, धनिया, जीरा पाउडर, हरी मिर्च, इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, स्वादानुसार अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हाथों से ही मैश कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, इसके कोने निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम इसे पानी में डिप करेंगे दोनों साइड से, और हमें ये ज्यादा नहीं करना है। हमने जो आलू का मैश तैयार किया था, अब हम इसे ब्रेड में डालेंगे और हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए अब इसका पानी भी पूरी तरीके से निकल चुका है। अब इसे हम कुछ देर के लिए रख देंगे। दोस्तों कुछ देर रखने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब हमारे ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों ऐसी रेसिपी देखने के लिए पत्रिका पे बने रहिए।